Hey guys, what's up? Welcome to Assam Girl Vlog. My first surprise gift. This is my first surprise gift. मतलब ऐसा है कि आवाज़ आ रही नहीं आ रही मेरी, मुझे नहीं पता, तो ये रिकॉर्ड कर देगा बाद में. फर्स्ट टाइम मुझे किसी ने ब्लॉग के लिए कुछ गिफ्ट किया है. And I got a tripod. आज सुबह सुबह ये आया है and शायद मेरी आवाज़ इतनी अच्छी थी, धीमी धीमी आ रही है थोड़ी सी. अभी बस सुबह सुबह मैं सो ही रही थी, फ़ोन आया था, पार्सल होगा. ओके, ऐसा कुछ होता है ये. ऑलराइट, मैंने फर्स्ट टाइम ट्राईपॉड देखा है गाइस, मतलब ऐसा वाला. ओके, दिस इज़ थैंक यू टू वन ऑफ माई सब्सक्राइबर. मेरे को जानते हैं तो लाइक उन्होंने मुझे भेजा ये गिफ्ट. इसका सेटअप कैसे करते हैं ये भी नहीं पता मुझे. फोन आ गया. हाँ गाइज, मेरा गोरिल्ला ट्राईपॉड जो कि मुझे मेरे एक फ़ैन ने गिफ्ट किया है, मेरे एक सब्सक्राइबर ने गिफ्ट किया है, मेरे असम गर्ल ब्लॉग के फैमिली है वो. मैं कभी उनसे मिली नहीं, दो कि वो यहाँ यहीं के हैं, मतलब बंगाईगांव के, हमारे यहाँ के, लेकिन मैं उनसे कभी मिली नहीं. एंड उन्होंने मेरा ब्लॉग, वो मेरा हर ब्लॉग देखते हैं, एंड तो उनको लगा कि ऐसा है, मतलब ही इज़ ऑल्सो, ही इज़ माई फ्रेंड, इवन ही इज़ माई फ्रेंड, तो मुझे ये गिफ्ट मिला है. तो इसमें सिर्फ ये होता है, मैंने सोचा था, मैंने पहली बार ये तो देख रही हूँ लाइव, ठीक है, मुझे खुद पता नहीं, मुझे पूरा व्लॉगर वाली फीलिंग आ रही है अभी. ये मुझे कभी दिखा नहीं था, ये पहली बार दिखा, तो सेटअप करना भी नहीं था. तो मैंने ये एक होल्डर मिलता है यहाँ पे जिसको लगाना पड़ता है आपको. फिर सुबह सुबह जब कुछ गिफ्ट मिलता है आता है तो अच्छा ही लगता है, ऑब्वियस सब आते हैं. ये फ्लिपकार्ट से ऑर्डर हुआ था, फ्लिपकार्ट से आया है मेरे घर. एंड इसको मैं सेटअप करने की कोशिश कर रही हूँ, फ़ोन इस पर लगा के कैसा लगता है थोड़ा व्लॉग शूट करने में, आज वो वाली फीलिंग लेंगे हम. तो भाई का फ़ोन से ट्राई करते हैं थोड़ा. ये ऐसा ही लगता है, कुछ टाइट नहीं होता ये शायद. एंड इसको आप कैसे भी मूव कर सकते हो, इसका कोई इशू नहीं है, इसको कैसे भी मूव कर सकते हैं, ठीक है. तो उसके बाद भाई तुम्हारा फ़ोन थोड़ा लेते हैं, दो एक बार. इसका ये फ़ोन है, मैं इसको लॉक कर दूँ. हाँ, तुम्हारा फ़ोन लॉक कर देते हैं. तो इस तरह कुछ ये सेटअप हो जाता है, ठीक है. नाउ आई रियली लुक लाइक अ ब्लॉगर, राइट. हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम टू असम गर्ल ब्लॉग. इट मेक्स मी, गिव्स मी अ रियली रियली गुड वाइब. ये मैंने सभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी मुझे मिलेगा. मैंने सोचा था कहीं, मतलब बड़ा ब्लॉगर बनूंगी, बाहर शूट वूट करूंगी, अपना एक जॉब होगा तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन जब किस्मत में साथ होता है तो होता है. तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स, आई रियली लुक लाइक अ ब्लॉगर. मतलब क्या बोलूँ अभी. बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, नहीं मतलब मैं ब्लैंक हूँ, मुझे कैसी फीलिंग आ रही है अभी ना. एक्चुअली बीमारी की वजह से कुछ अच्छा फील, बुरा फील कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है. नॉर्मल हो गया है, मतलब ऐसा है माइंडसेट. ये कुछ ऐसा छोटा सा एक वो मिलता है, इसका शायद ये यहाँ पे होता है, लेकिन ये निकल गया कैसे, उसको घुसा गया. ये शायद खींचने तानने के लिए है, क्योंकि इससे तो हाँ खुले, लेकिन भारो लगता है सीखने, अच्छा लगा, हाथ उठा अपना, अच्छा लग रहा है एकदम, काफ़ी क्लासी. एंड इसको आप कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने सुना है. मैं पहली बार देख रही हूँ तो मुझे यूज़ करना भी नहीं आता, बट देन इफ यू हैव बिकम ए ब्लॉगर एंड देन ना, ये हाथेव ना है, हाथ में भी लेता है. হাতে নেওয়া মোবাইল এক এমনি ধরা, ওটা একই কথা. হ্যাঁ হ্যাঁ, ইয়ে মানে ওই যে সাইকেল ফাইকেল মে রাখা, এটা জাস্ট এরকম করে রাখা, মানে তুই ধরে রাখতে পারবি না, তো এইজন্য এটাকে রাখা ইউজ করতে লাগে. ওইটা ওইটা মানে সাপোজ একচুয়ালি মেরা ওই অ্যালোভেরা वाला ব্লগ था, जिसको मैंने मेरा फोन को मैंने पता है कहां रखा था. मैं ऑनेस्टली बताती हूं आपको, एलोवेरा ब्लॉग कैसे शूट किया था मैंने. ये फोन था तो मैं ऐसे एलोवेरा काट रही थी, तो मैंने ऐसे करके, मतलब मैंने ऐसे करके फ़ोन को पकड़ा और मैं ऐसे एलोवेरा काट रही थी. इट वॉज सो अनोइंग, तो मैंने उसको बताया
मैंने बताया नहीं था, उसने नोटिस किया। तो जब बात हुई हमारी तो उसने बोला कि अरे आप इतना मेहनत से अलग मेरा काट रही थी, ऐसा करके ब्लॉग बना रही थी, तो मुझे लगा कि एक ऐसा होना चाहिए। थैंक यू, उन्होंने नाम लेने के लिए मना किया, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, लेकिन मुझे थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर दिस, इट मीन्स अ लॉट टू मी। मतलब पहली बार व्लॉग के लिए कुछ गिफ्ट मिला है मुझे। पहली बार भाई ने मुझे एक माइक्रोफोन गिफ्ट किया था, माइक गिफ्ट किया था, लेकिन वो काम नहीं आता था। ये बड़ा काम आएगा, माइक भी काम आता है लेकिन माइक सेटअप करने में कभी कभी मुझे इतना अच्छे से कुछ ठीक ठाक से आता नहीं है, तो आई एम लाइक नॉट अ प्रोफेशनल येट, लेकिन अभी बनना बाकी है। तो आज का ये इतना ही था व्लॉग, इतना ही था ये इसके लिए बात। आज डेट है आपका 18th ऑफ जून, तो अच्छा खासा एक गिफ्ट मिला 18th ऑफ जून को। ओके गाइज, आई विल सी यू ऑन माई नेक्स्ट व्लॉग। नेक्स्ट व्लॉग में जब बार बार कहीं जाऊँगी, उठ के नाच फिर सकूँगी, चल सकूँगी अच्छे से, तो उसके बाद होगा। अभी तो फुल्ली ऑन बेड, तो उपाय नहीं। अभी आज बेटर हूँ थोड़ा, कल थोड़ी बेटर थी, आज दर्द है मुझे, अभी भी दर्द है, लेकिन मच बेटर। सो यू गाइस ऑल्सो टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, अपना हेल्थ का बहुत बहुत ख्याल रखिए। चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, सबसे पहले अपने हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ करें। मैं ये चीज़ अभी समझी हूँ, अच्छे से समझ गई कि सबसे पहले हेल्थ आता है। दुनिया में भाड़ में जाए सब काम, मैंने सोचा पहले रिसर्च का काम ख़त्म करती हूँ, पहले ये काम ख़त्म करती हूँ, वो काम ख़त्म करती हूँ, उसके बाद जाऊँगी डॉक्टर के पास, उसके बाद जाऊँगी ये वो करूँगी, लेकिन डिले करते करते मेरा ये हाल हो गया, एक्सट्रीम लेवल तक कुछ हो गया। सो आई सी ऑन द नेक्स्ट व्लॉग, टेक केयर, टिल देन स्टे ट्यून। जो भी मेरे चैनल पे आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, मतलब नॉट प्लीज़, अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो मेरे व्लॉग को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना गाइज, बेल आइकन ज़रूर दबा देना। मैंने ऐसा बहुतों को देखा है क्योंकि वो बेल आइकन नहीं दबाते हैं, मतलब प्लीज़ बेल आइकन दबा देना अगर आप सब्सक्राइब करो, क्योंकि उससे मेरा वीडियोज़ आप तक मतलब जब भी मैं वीडियो डालूंगी आपको पता चल जाएगा। वैसे तो मैं वीडियो 7 PM को डालती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, हाँ ठीक है, और अभी रेगुलर ब्लॉग्स तो 7 PM को ही आ रहा है, तो स्टे ट्यून्ड, बाय।